अपना कुछ कर लो भाई, क्या मेरे मेरे पे ही पलना है क्या? क्या बोल रहा है शगुन? पलना यार भाई, क्या हो गया मेरे पे? पलना क्या बोल रहा है? क्या मतलब है? क्या हो गया? क्या खड़ा क्या? क्या बोल? आराम से। क्या हुआ? पलना क्या बोल रहा है? मतलब क्या तेरा मेरे पे पलना है? तुम क्या बोल रहे हो बीच में? तू क्यों बोल रहा है मेरे पे पलना किसी को भी? मेरी समझ नहीं आया अबे, तू बोल कैसे सकता है ये सब? कोई तेरी वजह से बोल रहा है यहाँ पे? तू क्या मतलब पाल रहा है तू यहाँ पे? मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, उससे बात कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, उसका बात कर रहा हूँ। मेरी वो पलना क्या बोल रहा है उसको? सिट डाउन। मेरे पे पलना, व्हाट यू मीन टू से? पल रहा तेरे पे कोई यहाँ पे? पल रहा तेरे पे यहाँ पे? आना आना आना। वो कोई गेम गेम की तरह लेना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वहीं लड़ाइयाँ हो जाएं, तलवारें निकल जाएं और मतलब कट जाएं सर लोगों के। एक लड़की को बोल रहा है मेरे पे पल रहे हो में। अबे मुद्दे ना बनाए कर, क्योंकि तेरे पास अपनी बात करने के लिए तो कुछ होता नहीं है। अबे अपनी बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। अबे अपने बोल साहब, यहाँ तूने कुछ किया नहीं है इसलिए ऐसे बैठा। अबे तू कौन है? तू जज है यहाँ का? बैठ जा तू। क्या बोलता कुछ और? मेरे दोस्त मर गए, मेरी बंदी चली गई, मेरे दोस्त मर गए। अबे तू जा, चल एक्टिंग सारा बात कट बोल दे। मैं लोग हर्ट नहीं करना। अबे कर तो लेता हूं, कर दे रे बोल दे। बात कट बोल दे। कट 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 कट। बैठ जा। चल कट चल कट 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 जिसको समझ में आ गया था, इसे पता चल गया था कि जो भी ये ड्रामा कर रहा है वो लोगों को पता है उसकी असलियत, और ये कितने पानी में नहीं कितने कीचड़ में। रोशनी मिला में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी बिम्बो का? काइको फालतू में मुझ पे फेंक रही है। सब जानते हैं तू खुद इस पिछला के बिगेस्ट बिम्बो। टिट फॉर टैट, रिवेंज टाइम बिकॉज ऑफ द थिंग व्हिच ही डिड विद फहद। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। विलामी, हु इज द गटर माउथ? कटर माउथ सुनते ही मेरी नजरें सीधा मेरे बगल में बैठी हुई खूबसूरत लड़की पर गईं। We will start from Mona. No, still not good enough. निकाल ले भाई, गुस्सा निकाल ले। हमेशा वो फाइट्स में रहती है एंड वो जल्दी अग्रेसिव हो जाती है काफी। Yeah, I'm very aggressive. जब वो बोलती है ना, वो बहुत ज्यादा गंदा बोलती है। समझ जाना अगर कहीं भी आवाज आ रही है विला से, तो हमें पता है कि अनुष्का तो है ही, सामने कौन है बस वो पता करना है। So I think I know the answers to this. I think I am already aware. आप काफी स्मार्ट हैं वैसे। आपने गटर माउथ को अग्रेसिव अग्रेसिव आठ बार अग्रेसिव बोल दिया, बट द सवाल है गटर माउथ कौन है? एग्जैक्टली शी इज नॉट। जब गटर माउथ नहीं है कभी भी। सो नाइस। शी जस्ट टेक्स अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, दैट्स इट। यू हैव अ फिल्टर इन योर ईयर? आई मीन शी नेवर लूजेस हर डिग्निटी व्हाइल टॉकिंग। रियली? दैट अब्यूज अ लॉट, दैट्स मी, आई गेट अग्रेसिव। नहीं पर वो उसको नहीं सुनाई देता। मुझे लगा कि भाई ये बंदा प्यार में अंधा हो गया है एंड इज लाइक अनुष्का के ख्यालों में खोया है। दोने की उंगली दिल के सॉकेट में यार मारे। वो बंदा अपनी स्माइल से सबको हंसाता है, वो गटर माउथ कैसे? एक बार हमारी लड़ाई हुई थी, उसमें पहली बार आई थिंक अंशुमन के मुंह से मैंने पीछे हो जाइए वो टू ऑल दैट टू रोहन, आपका कनेक्शन आई डिडंट लाइक, पुश कर रहा था। ही सेड रोशि रोशि लेट मी जस्ट लेट, दैट्स व्हाई आई डिडंट लाइक एंड गटर माउथ फॉर मी इज दैट। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आके एक लड़की को पुश करेगा तो मेरा बॉयफ्रेंड आके मेरे साइड नहीं लेगा? क्यों ना गाली दे, तुम्हारा बंदा डिजर्व करता है गाली। आई
अंदर बहता है गटर, वो स्टिंग करती है गटर जैसे, और वो पूरी की पूरी गटर है। आप मेरी फेवरेट बनती जा रही हैं। Naturally, मैंने भी उनके मुंह पे डाला एंड आई मेड श्योर कि अगर मैं कुछ बोल ना पाऊँ बट एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्शन शी अंडरस्टैंड दैट आई एम पिस्ड ऑफ। आप कई बार गुस्सा किसी और का होता है निकाल मुझ पे देती हैं। अबे डाल दे। She looks so frightening कि मुझे लगता है कि भाई इससे दूर ही रहो। Not because that I'm afraid of her, but because कीचड़ में हाथ डालो ना तो अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। तीन लड़कियों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल टेस्ट बॉन्ड में परफॉर्म करने की। जिन लड़कियों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछाला गया है ऑब्वियसली उनको सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो आगे जाके टेस्ट और बॉन्ड चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। और मैंने कहा मैंने क्यों फेंका रोशनी के ऊपर इतना सारा, मैंने क्यों। एक जिनके ऊपर सबसे ज्यादा है वो है रोशनी। थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने रोशनी पर कीचड़ उछाला, उसकी वजह से मुझे परफॉर्म करने को मिलेगा। दूसरी मायरा। आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज लाइक कि दो तीन बार भाई और मार दो, मैं सेफ ही हो रही हूँ तो आई एम ओके विद इट। और तीसरा बिटवीन संयुक्ता एंड श्रुति, वो डिसाइड करेंगे शगुन, बिकॉज उनके ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछला है आउट ऑफ द बॉयज। आप कल हमें बताएंगे बिफोर द टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज कि क्या संयुक्ता परफॉर्म करेंगी या श्रुति। रन सर, यार आपने शगुन को पावर दे दी, इससे अच्छा संयुक्ता को ही जिता देते, मुझे जाके भीख नहीं मांगनी है ऐसे इंसान से। लेट्स गो। रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद शगुन एक्चुअली अकेला बैठा हुआ था वहीं पे और मैंने जाके उसको हग करके बोला कि इट्स ओके, आई विल ऑल बी फाइन। वो अपसेट डेफिनेटली था एंड होना जायज भी था क्योंकि उसके लिए कोई नहीं था साथ खड़ा, उसका आइडियल मैच नहीं जो हांडा है या किसी ने भी उसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोला था। संयुक्ता कहीं ना कहीं मेरे को बहुत शांत करने की कोशिश कर रही थी, जिस बात का मुझे थोड़ा सा सुकून था, ठीक है कोई तो है जो फिक्र करता है। सैम ने जाके जो शगुन को हग किया, I was like, कुछ तो पक रहा है भाई, कुछ तो पक रहा है। जब हम वापस विला पहुंचे तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गई सीधा उससे बोलने। रोना इज एन इमोशन, एक सेकंड, रोना इज एन इमोशन। यू हैव स्टॉप्ड, यू हैव, आपने मेरा एक इमोशन प्रोजेक्ट करवाना बंद कर दिया। डू यू रियलाइज दिस? मैं तेरे पे पल रही हूं, तूने ये बोला, ये बड़ी बात नहीं है। मैं तू मेरे पे पल रही है, दैट्स हाउ यू टॉक टू गर्ल्स। सॉरी यू बेटर बी मैरी। नो नो प्लीज हैंड आउट योर मैच, आई एम नॉट सेइंग एनी, तू मेरे पे पल रही है का क्या मतलब, मेरा घर चलाता है। मेरी बात सुनो, तुम वहाँ कंपटीशन में किया, ठीक है, तुम कमरे में आके लोगों के सामने मेरा मजाक बना रही हो यार। करूंगी मैं। सॉरी। प्लीज गो। यस प्लीज गो मैन। थैंक यू। श्रुति बस शोर मचाना और चिल्लाना जानती हैं। मैं समझ चुका हूँ उनकी ये मेंटालिटी, इसलिए मैं काम रहकर अपना काम से काम करना चाहता हूँ। हांडा मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड, आई एम डिप्रेस्ड। देयर आर टाइम्स मैं भी लो फील कर सकता हूँ। तो मैं हर बार आपको आके बोलती हूँ जब भी आप डिप्रेस होते हैं या लो फील करते हैं। थैंक यू सो मच, आप करती हैं। अब मुझे जेन्युइनली पता है मैं अकेला हूँ, आपको जैसा करना आप वैसा करें। मैं आप अनुष्का को जाके पूछ सकते हैं, मैं क्या बोल रही थी कि ऐसा मत करो, ही इज अ नाइस गाय, ठीक है। हर आदमी का हाई होता है, हर आदमी का लो होता है। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ यार। मैंने आपको ये कभी बोला आप एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, यहाँ लोग समझते हैं। आप उनका लोगों को गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे? जो गलत है वो गलत है, चाहे फिर आप मेरे आइडियल कनेक्शन हो, मेरे कनेक्शन हो, आइडियल मैच हो, जो मर्जी हो, मैं गलत का साथ बिल्कुल नहीं देती। Since Shagun has the power, Shruti and Samyukta, here is a chance to impress him and stand the opportunity to perform in tomorrow's Test Your Bond Challenge. Get ready, girl. Shagun ko date pe jana hai Shruti aur Samyukta ke saath. Aur main na sirf Rohan ko dekha, maine kaha main nahi ja rahi. Congratulations. I don't wanna go. Shayad main jo ab Samyukta ke liye feel karta hoon, शायद उन्हें कन्वे करने का वक्त आ चुका है। मैं तैयार होकर अपनी डेट की लोकेशन पे पहुंचा और फिर दोनों ही खूबसूरत मोहतरमाएं सामने से चलकर आईं। देखा हजारों दफा
आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। श्रुति मेरी सबसे अच्छी दोस्त है विला में। आई वॉन्टेड कि शगुन और श्रुति का पहले सॉर्ट हो जाए इशू जो चल रहा है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कहीं ना कहीं कि शगुन मुझे थोड़ा सा पसंद करता है। ऑनेस्टली आई विल टेल यू, मुझे ये ऑनेस्ट लगता है। That's the only thing. Like, he will say whatever he wants to say. And if it's about the competition, he is equally strong as Simba is. And if I know ki kal jaake, I want a guy who will say, I will stick to her no matter what. So you want to perform with him? If that is possible. Yeah. मैंने कहा ये तो घोर संकट है, कहाँ आ गई हूँ मैं, नहीं होगा ये मुझसे। I think I need Samyukta to take this time alone, figure out कि ये लड़का नहीं अच्छा है। So अब मैंने उन्हें अपने दिल की बात बतानी जरूरी समझी, क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त पर खड़ी थी जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। अब से मुझे सुन लीजिए, सिर्फ डेढ़ दिन हुआ है लेकिन आप मेरे साथ ऐसे आकर खड़ी हुई जैसे हमारा पहले का कोई नाता था, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। तुम्हें देखकर एहसास से सुकून मिलता है कि कोई खेल को इतना भी ध्यान में नहीं रखता कि जिंदगी के अहम एहसासों को भुला देता। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यूं तो लोग मुझे गुस्से वाला और बदतमीज समझते हैं, मैं तुम्हारे लिए सुधरना चाहता हूँ, मैं बदतमीज और गुस्से वाला। मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे एक लव लेटर दिया, मैं बहुत खुश थी। एक्चुअली मैं बहुत ब्लश कर रही थी। ऐसे मतलब तुम मुझे अक्सर बोलते हो, तुम मुझे ऐसे देखते क्यों रहते हो? जाने कैसी मुश्किल है ये, कोई तो मुझको बताए। क्या बताओ? एक तो मुझे संयुक्ता का साउथ इंडियन एक्सेंट और उनकी लैंग्वेज कन्नड़ा बहुत पसंद है, और वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं बोलते वक्त। अब मुझे सबको छोड़ के आना है तुम्हारे पास, क्योंकि मेरी फीलिंग उतनी स्ट्रांग है तुम्हारे। ठीक है, और मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। Alright, that's a word. That's all. I felt very nice about it. I felt very special, but I also found a guy who likes me for who I am. Alright. चल, राना मैन गेट मैरिड टू नहीं आजा। और फिर मैंने उन्हें अपने साथ लिया और मैं बाहर लेकर गया और संयुक्ता को बोला, आप 5 मिनट दे मुझे, मुझे आरुषि हांडा से बात करनी जरूरी है। मैंने और आपने कभी ऐसा, हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसी फीलिंग जाहिर नहीं की। जिस दिन से सैम आई है मुझे, एक दिन से, हाँ हाँ एक दिन से, हाँ, लेकिन वो आई हैं, मुझे उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली फील होता है। आई वॉज लाइक जिसका मुझे डर था वो ही हुआ। व्हाट डू यू थिंक आई एम फूल? व्हाट डू यू थिंक आई एम? आई एम फूल? व्हाई आर यू गेटिंग एग्रेसिव? आई विल। व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी नाउ? डोंट। व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी? तू बोल क्या रहा है, तुझे पता है? मैंने जितना मैंने बात समझाने की कोशिश करना चाहता था वो उतना ओवर रिएक्ट करने लगी। रियली फील फॉर या दिस आई बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था एंड मुझे हांडा की आवाज सुनाई दे रही थी एंड शगुन की आवाज सुनाई दे रही थी। एवरीबॉडी केम आउट, मैं भी आई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। व्हाट आर द टाइटल मैचेस फॉर देम गाइस? व्हाट इज इट कंपल्सरी टू मैरी यू? डिड आई से दैट आई वुड मैरी अ गाय लाइक यू एवर? Who's a bloody drama queen in Split Villa? Let me tell you, I was never harsh to you, Shagun. You are always. People were laughing at you and what I was saying आज की, मुझे बुरा लग रहा है सब उसके ऊपर जाके ऐसे फेंक रहे हैं। पता नहीं सामने क्यों नहीं कोई बोलता। Really? That's the reason I was not connecting to anyone in this villa, because I know what boys do. But did I never give you a word? Why are you shouting at me? Then what are title matches for? What are they there for? But what are feelings for? मेरे control में है क्या? क्या ही बोलूं, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको बस मुक्का मारूं या इसका मुंह तोड़ दूं,
या तो इसको सीधा जमीन के अंदर गाड़ दो। तू किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तू किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तू किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। लेट मी टेल यू, जो तेरे लिए कुछ करता है ना, तू उसी को उसके सर पे पैर रख के आगे जाता है। तुमने मुझे पावर दी क्योंकि तुम सेफ होना चाहती थी, तुमने एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। मैंने तुम्हें कभी आई लव यू कमिट नहीं किया, तुम मेरे पे। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं उनसे वन ऑन वन बात करना चाहता था, लेकिन अब पूरा विला आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, जिससे मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। भाई मैं गुलाम बन गया। होम शुड आई परफॉर्म नाउ यार। नो दैट यू हर्ट, बट उसकी एक्चुअली दोनों अपनी जगह पे गलत नहीं हो यार, तुम्हें सॉर्ट करना चाहिए बैठकर। वो ये कह रहा है कि वो नहीं करना चाहता क्योंकि उसे उसके लिए फीलिंग्स। मैं कहां जाऊं? आई गेट योर पॉइंट, को पता है तेरी फीलिंग तो हर तीसरे दिन चेंज होगी। तुम मत बताओ मुझे ये, क्योंकि मैं बताऊंगी। हां तो बताओ फिर। डोंट टॉक टू मी राइट नाउ प्लीज। संयुक्ता वॉज द मैजिकल वॉन्ड विच, आते ही उन्होंने मायरा सिम्बा का तुड़वाया, फिर अब खतरा जो था वो शगुन और आरुषि हांडा के ऊपर मंडरा रहा था। सो शी वॉज लाइक ऑन फायर, मतलब आते ही उनको जिस चीज़ के लिए वाइल्ड कार्ड में रखा था वो परफेक्टली वही चीज़ कर रही थी। मुझे क्या पता यार मैं कहां जाऊं मुझे क्या पता यार मैं तो वेरी वेरी गुड एस्केप मैं कहां जाऊं मुझे क्या पता यार मैं तो वेरी वेरी गुड एस्केप मैं कहां जाऊं मैं क्या पता कर रहा हूं तुम मैं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा आई विल वेट फॉर ऑल टू कम हियर पर बात तो करो मुझे प्यार है उससे, मैं नहीं करूं क्या? उसको नहीं अभी, पर मुझे तो है। उसको हर तीसरे दिन किसी और से प्यार। अरे तीसरे दिन प्यार होता है, तू मेरे कैरेक्टर पे क्यों जा रही हो यार? तुम्हें पता है मैं ढीला था। मैं आपको समझा सकता था, अगर मेरे अब बस में हुआ तो मैं आइडियल मैच की पावर छोड़ दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं अब आपकी बदतमीजियां और गुलामी जो आप अपने दिमाग में सोच कर बैठी हैं वो और नहीं झेल सकता। हम जैसे ही 40 की लोकेशन पर पहुंचे तो हमने देखा एक लाइफ साइज फिजिट स्पिनर था, तो काफी इंटरेस्टिंग टास्क लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। This is Oppo MTV Splitzer 11, powered by Denver Deodorants, Aloe Fruit Juice, Manforce, Vega Hair Styling Appliances, Beauty Partner, Lotus Makeup, and Celebration Wear Partner, Manivar. Happily ever after? Or never after. Shagun, कैसी थी डेट? बहुत बढ़िया थी सर। Have you ever been on a date with Arushi Handa? Handa, no sir. I don't want to. Why? I don't want to. आइडियल मैच हो आप लोग? बट वी डोंट मैच। कल उसने मुझे आके कहीं ना कहीं कह दिया कि आइडियल मैच होंगे, आई एम रेडी टू लीव माय पावर्स, क्योंकि उसको संयुक्ता से प्यार हो गया। व्हाट? यस। रियली? मुझे अच्छी लगती है सर, मुझे ये आसपास होती है, मुझे खुशी होती है कि ये आसपास है। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई अग्री कर रहा है कि वो मुझे पसंद करता है इतना ओपनली। मुझे लाइफ में जिंदगी में पहली बार किसी ने लव लेटर, और मैंने खुद किसी के लिए पहली बार लव लेटर। इस बात को देखकर वो थोड़ा शर्मा भी रही थी, और मैंने भी किसी को पहली बार ऐसे सामने से बात की थी। जब कल मेरे पे वो कीचड़ उछाला गया, सब कुछ हुआ, मेरे दोस्त थे, मेरी आइडियल मैच थी वहां पर इनका बोलना बनता नहीं था। इन्होंने वहां बोला सर, ये कर रही थी सर, इनका जरूरी नहीं था। Actually, I saw her coming and giving you a hug. I remember seeing that. Is that the moment where you were like, किसी ने किया ही नहीं मेरे को। शगुन, आपके पास एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन परफॉर्म करेगी आज रोशनी और मायरा के साथ? सर सैम। थैंक यू सो मच। अभी ये तीनों लड़की एक ही लड़के को चूज करेंगी। रोशनी, cuz your decision is gonna be the hardest one here. अंशुमन। चलो मायरा आप बता दो।
गौरव। गौरव के साथ सर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर कोई मेरे को ऑप्शन की तरह ले रहा है तो डेफिनेटली मैं भी एक ऑप्शन की तरह ही लूंगी। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है मेरी और सिम्बा के बीच में दैट अब एक सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गई है। गौरव यू वांट टू परफॉर्म? यस यस गो फॉर इट मैन। समीक्षा आई वांट टू परफॉर्म शगुन सर। Shagun, you want to perform with her? Always. मैंने शगुन को चुना क्योंकि मैं उसको ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। उसके आइडियल मैच पावर्स कुछ जाने वाले नहीं थे। I can perform with him for sure. I was highly disappointed. Myra, Simba को चूज नहीं किया है संयुक्ता ने। You want to choose him? I would like to ask him, do you want to perform? It's your call. सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है। स्टिक टू इट। स्टिक टू योर वर्ड। अब भी बोला तूने सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होती है। ये तो है, ये चाहते हैं कि आप अनसेफ हो उनके साथ ताकि जो सेफ वाले निकालने वाले हैं उसमें आपका ऑप्शन आए। आई वाज होपिंग कि वो अपना डिसीजन ना चेंज करे इतना सब कुछ होने के बाद उनमें थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। Myra, I think it's time for you to stand on your own two feet and decide. Make your own choice, man. किसी की सुनो मत यहाँ पे। So, Myra, did you make a decision? Sir, Simba. Simba, आप करना चाहते हैं? Yes. तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ गई तेरी self respect? 10 second में self respect gone. बिम्बो तो उसको टाइटल सूट करता ही करता है। आई थिंक उसको एक ऐसा क्राउन देना चाहिए जिस पे लिखा होगा बिम्बो ऑफ द ईयर। डू इट्स माय ओन गेम, लेट मी प्ले। सो मेरे लिए कहीं ना कहीं सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आई हैड टू विन इट। आई एम सॉरी। सॉरी की बात नहीं है, पहले तुम्हें डिसाइड करना चाहिए ना यार। सेल्फ रिस्पेक्ट अभी देख लिया, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आजा भाई। ये मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए नहीं उसने सिम्बा को चूज किया, इसीलिए अगर आप किसी को वर्ड देते हैं तो उस वर्ड को रखना चाहिए। अगर आप इतने ही कंफ्यूज्ड हैं तो फिर आप डिसर्व करते हैं कि लोग आपको हर्ट करें, आपको रुलाएं। ऑलराइट, आज आप तीनों के बीच में होगा एक टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज और जो दो जीतेंगे वो जाएंगे सेफ। इस टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज का नाम है गेट फिजिटी। गेट फिजिटी नाम काफी इनोवेटिव लग रहा था, पर क्या होना क्या है? एक फिजिट स्पिनर है, तीनों लड़के एक एक होल के अंदर होंगे, लड़कियां ऊपर खड़ी होंगी, वहां से उनको सारे अल्फाबेट एक डायमीटर पे लगे सब दिख रहे होंगे। हम लड़कों के बारे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका जवाब लड़कियों के पास होना चाहिए। मेरी क्योंकि मैं शगुन को क्या किसी भी लड़के को जानती ही नहीं थी विला में। पॉइंट आउट करने का एक तरीका है, एक बॉल है, आपको बॉल उस लेटर पे मारना है। जैसे ही उस लेटर पे मारा तो मतलब ये अब जवाब उस लेटर से ही होना चाहिए। अगर आप लड़कियों को ज्यादा हिंट्स दे सकते हैं, ज्यादा लेटर्स दे सकते हैं, सही आंसर देने की संभावना बढ़ जाएगी। आई मेड अ राइट डिसीजन क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज सिम्बा इज वेरी गुड एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज़ मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे अंशुमन के बारे में हर चीज ऑलरेडी पता है, बट इट वॉज मोर ऑफ अ स्ट्रेंथ गेम, उसके लिए थोड़ा टेंशन हो रहा था। ऑलराइट गर्ल्स टेक अ पोजीशन। जब हम लोग अपने अपने फिजिट स्पिनर में जगह ले चुके थे तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये सिंगल हैंडेड कॉम्पिटिशन है मेरा और सिम्बा का। मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी पंप अप हो रखी थी, सो मुझे बस वो निकालनी थी कहीं ना कहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट क्विजीन। भगवान प्लीज इसको बता देना कि आंसर है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये बहुत डम है लड़की, ये नहीं समझ पाएगी। मुझे थोड़ा सा हिंट था बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर। लेट्स गो। यस यस सिम्बा।
मैंने एकदम से अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगाई, पूरा जो फिजिट था वो मेरे ही डायरेक्शन में स्पिन हुआ। यूज द बैक ऑफ योर लेग, चल चल चल, आगे आ जा, आ जा, आ जा, धत, और धत, बहुत बढ़िया, आ जा। ओह मैन, कम ऑन। इंडियन। सिम्बा ने आई पे मारा और उन्हें उसी टाइम आंसर दिया इंडियन। That is the right answer. Here we go now. Simba and Myra, 1 point. Sir, N से क्या था वैसे सर? N से? N से क्या था? क्या हो सकता है? North Indian के थे. Yes. मुझे लगा पंजाबी लिख देगा, ठीक है क्योंकि तू पंजाबी है, but North Indian cuisine नहीं होता. बहुत ही डम था ये। इससे मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस जाऊं कल के सेशन में और तेरे मुंह पे पूरा का पूरा वो डोंगा उठा के मार दूं। Second question. What is his prized possession? Ready, go. P. W. Winning. Prized possession कैसे हो सकती है? एक गेस जा चुका है, सिर्फ एक बचा है. All right, 3, 2, 1, go. You can guess. संयुक्ता ने जवाब दिया पार्टी। आई थिंक सब अपना दिमाग और अपना आपा खो चुके थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब देना है, कुछ भी बोलते चले जा रहे थे। Watching. You have guessed too. What was your answer? Watches. 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 Most prized possession. W के साथ मुझे पता लग गया था without knowing him. इसके बाद ही वाला लाइक अरे यार तू लड़की है कि क्या है, मतलब वॉचिंग। मायरा जय हो देवी। वॉचिंग आपका पोजीशन कैसे हो सकता है? सेक्सी। पीए आरी क्या होता है? पीए आरी एन According to what you wrote. Once again, it's not. It's not parents. He's not written that answer. He's written something else. उसने जाके F पे मारा. Parents के बाद F क्या होता है? क्या होता है? बताओ मुझे. I really didn't understand कि ये लड़का बोलना क्या चाह रहा है. You have guessed too. That one guess is done. You have only one guess left. मेरा जवाब था self respect. घूम घूम के मैंने self तक मारा. I don't know self पे वो समझ नहीं पाई रोशनी. जैसे ही मैंने R मारा. Self respect. Yes. Self respect. Right. Self respect. Correct. I always knew कि उनके लिए self respect बहुत ज़्यादा मायने रखती है. तो मैंने self respect बोल दिया. I got the point. क्या था sir? Family. Family. You dodo. You have to remember the question and your answer. तेरा आंसर लिखना। स्कोर मायरा 1, रोशनी 1, संयुक्ता वेरी क्लोज बट डिडंट गेट दिस पॉइंट 0. 1-1-0 हो चुका था एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग बैड क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं जीरो पे होती हूँ। व्हाट इज हिज बिगेस्ट फियर? 3 गेसेस। आई नो दिस। पी। तो जब उसने पी पे मारा, I was like कि पी से क्या फियर है अभी? डेटिंग। नो। अबे अगर डेटिंग मेरा सबसे बड़ा फियर होता तो मैं तो डेट नहीं कर रहा होता ना बेवकूफ लड़की। That is the right answer. I was satisfied. चलो, इतना तू ही मुझे जानती है। आपने पी पे मारा। क्या था? Losing parents. Losing parents. She would have never got it. Seriously, Shagun? You have to start with L. L पे मारा ही नहीं। Shagun, तुम इतना stupid कैसे हो सकते हो? I was like कि भाई ये है क्या? सर से अपना दिमाग निकाल के घुटनों में डाल लिया है क्या इसने? स्कोर मायरा 2, रोशनी 1,
Samyukta, 0. Next question. In which part of his body does he have a birthmark? Wait. Guesses? 2. मुझे already answer पता था. I have seen it. I know it. चल! पता है मुझे, चल! शगुन काफी अग्रेसिव हो गया था क्योंकि जैसे उसको रियलाइज हो जाता है कि वो हारने वाला है गेम में, तो वो अपना बल इस्तेमाल करता है। Yes, Simba! Next, next. यार टी से एक ही होता है, प्लीज गेस इट। Kai. Yeah. Yes, correct. What is his favorite place to get cozy with his partner? 3 guesses. Go. Bed. Right answer. Great. Wow. बेड में तुझे कोजी होना पसंद है। वाओ, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। दिस इज सो क्रिएटिव। गो फोर्थ वन, 0. नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गेट 3 गेसेस लेडीज। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज हिज वाइल्डेस्ट फैंटेसी? आई वाज लाइक शिट यार, एक दिन ही तो हुआ है शगुन से मिलके, मुझे ये कैसे पता होगा। पहले के पे मारा, फिर एच पे मारा अंशुमन ने। कम ऑन, थोड़ा लंबा करो उसको, अपने हाथ से थोड़ा लंबा करो। शगुन को मतलब इतना गंदा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? उससे चला नहीं जा रहा था, उससे धक्का नहीं दे रहा था, वो फ्रिज स्पिनर पे बैठ जा रहा था। शगुन तो बात कर लेना अंशुमन के साथ। शगुन बात कर लेना। खड़ा हो, खड़ा हो, पहले खड़ा हो। हाँ, फर्स्ट टू का है, फर्स्ट आने का नहीं, फर्स्ट टू। हाँ चल, साथ में कर ले। मैंने ई पे मारा, मैंने टी पे मारा। खेत, खेत। डांसर। There you go. खेत। Correct. This is extremely. I was like, what the. I mean, लोग खेतों में कुछ और करने जाते हैं, like. Seriously, Anshuman? So, उसने खेत बोला तो मैं कंफ्यूज थी, खेत खेत क्यों कर रहा है? कॉर्नी पीपल। रोशनी तू कैसे संभालती है ऐसे चुल इंसान को? तेरा आंसर क्या था? बीच। आपका क्या है? हिल। How would I know that? You should know ना, जब चूज किया तो। I was not talking to him about having. Score 4-2-0. तो साथ में कर सकते हैं, सेकंड भी आ सकते हैं, फर्स्ट आने का जरूरत नहीं है। बात कर ले उसके साथ। तुम इतना फूलिश हो रहे थे ना वहां पे कि मैं तंग हो चुकी थी, मुझे टास्क परफॉर्म ही नहीं करना था, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मुझे बस उतर के वापस आ जाना था नीचे। अंशुमन पे गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं किसी से क्या मांगू कि वो मेरी मदद करे। जब लोगों को खुद समझने की बारी आती है तो लोग अपना अपना देखने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 guesses. Actor that he thinks he resembles to. John! ये क्वेश्चन मेरे लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं ये हिट नहीं कर पाता मेरे को शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने बोला मुझे पता है शगुन तेरा जवाब क्या है, तू बस मार दे। चल। लगी सा? Come on. पूरा जोर लगाकर फिर मैं उठकर फ्रिज स्पिनर अपनी तरफ घुमाया। उठ जा, उठ जा, उठ जा अभी। किसी का माइकल लाल के अंदर दम नहीं था कि वो फिजिक्स स्पिनर अपनी तरफ घुमा ले। रणवीर सिंह। गॉट इट, गॉट इट। फर्स्ट राइट आंसर। और मैंने बोला यस, आई लव रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 गेसेस लेडीज। हिज फर्स्ट
user ID. मैंने पूरा ऑनेस्टी के साथ ईमेल आईडी लिखा coolanch1995@theread.com. I'm such a big fool. वहां पर सिर्फ अल्फाबेट्स थे अंशुमन. S पे मारा, C पे मारा, S पे मारा. सिम्बा, शगुन रवि. नहीं नहीं, शगुन रवि इज रॉन्ग. सिम्बा, सिम्बा नागपाल. आपका एक हो चुका है, आपने सिम्बा नागपाल बोला, दैट्स आउट. बोलो बोलो. शगुन, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया. शगुन रवि. पांच कैसे थे? शगुन रवि इज रॉन्ग. या उसके बाद का मैंने बहुत सिंपल रखा था. मैंने बोला तुम सोचो तो सही, यूजर आईडी है वो. यूजर आईडी, ईमेल एड्रेस shagunravi@.com. ये दूसरा गेस था, ये भी रॉन्ग है. ट्राई रीड द लेटर्स ना. इज इट अ यूजर आईडी और ईमेल आईडी? किसकी सुनो क्या क्या क्या. ये सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट यू हैव सेड द @.com इज राइट, बट द फर्स्ट पार्ट यू हैवंट गेस्ड इट राइट. मुझे लगा कि क्या हो सकता है, इतना क्लोज आंसर. @.com सही है, बाकी क्या हो सकता है? चमकता है, वेरी क्लोज. शगुन @.com. ओह माय गॉड. मैडम जी, गो इजी, सब वाईफाई हम थे. उन्होंने एक वाइल्ड गेस लिया, शगुन @.com, जो कि सही था. मुझे नहीं पता था अवेलेबल होगा. अरे अरे, पहले नाम किसी को नहीं मिलता है सर ईमेल आईडी के लिए. चेकर क्यों बन रही हो? अरे मेरे में नंबर भी था, coolanch1995. बट एक बार बता, जब तू फॉर्म भर रहा था. सर मैं क्या करूं? अंशुमन मर जा. क्या एक्सपोज? मैं असली सच बोल दिया ज्यादा. कूल अंश में छोड़ देता, हमने कौन सा कोई चेक कर रहा है तेरा पहला वाला आईडी कौन सा था. Score 4-2-2. Next question. Ladies, two guesses. What is his favorite pizza topping? Chal! अब तक मैं काफी लीड ले चुका था, so I wanted Shagun to go ahead and give the answer. One more guess. चलो गेस तो करो. या नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. बोला ओरिगानो. नहीं यार, रॉन्ग. मैंने वहां मेरी आत्मा ऐसे दरवाजे से निकल के बाहर खड़ी होगी और बोली जाए कि अभी और बर्दाश्त करने की शक्ति है तुम्हारे अंदर. यार गेस तो करो, ओ से क्या आता है? ऑरेंज. ना जाने क्यों तने समझ ना आवे. ऑरेंज कौन डालता है पिज्जा पर? ऑरेंज कौन डालता है पिज्जा पर? अनियन, 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 अनियन. That's the right answer. क्या होता है उसे? ऑलिव. उसे होता है ऑलिव. ऑलिव्स, ऑलिव्स नहीं, जोड़ दे ऑरेंज. उन्होंने मुझे बिम्बो बोला था ना. I guess समिता, you need to think over it. सर मुझे लगा ये अपने हिसाब से लिखेगा सर. तो ऑलिव्स नहीं आता उसको? मुझे नहीं पता था आएगा. मुझे ऐसा लग रहा था भाग के जाऊं. प्यार करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं प्लेटफॉर्म पर से समिता को धक्का दे सकता. स्कोर 3-4-2. लास्ट क्वेश्चन. Three guesses. What turns him on the most? Kiss, kiss, kiss. Correct. Right, correct. सबसे अच्छी बात ये थी कि सिम्बा और शगुन आपस में लड़ रहे हैं और बीच में जो अंशुमन ने फायदा उठाया है वो फिजिट पे. I was like, अंशुमन भाई तू यहाँ से खेलता है. Top two teams, Roshni, Anshuman and Myra Simba. Aap dono couples ho gaye hain safe. I was really happy with my decision. Kyunki wahan Gaurav hote, na to strength mein aage aate, na hi main unhe guess kar paati, because I know nothing about him.
Are you happy, Samyukta, कि आपने शगुन को चूज किया? I'm definitely happy मैंने शगुन को चूज किया. You'd rather still? Still stick by him because he'll stick by me. मेरा और संयुक्ता का बॉन्ड उस दिन के बाद और बेहतर हो गया. एंड आई वॉज ऑब्वियसली गोना स्टिक बाय हर. इतना विश्वास मुझ पर बिना किसी चीज़ के पहली बार किसी ने दिखाया था और मुझे अच्छा लगा. ये बंदा एक था जो मुझे पसंद करता था. आई एम ग्लैड दैट मैंने इसके साथ ही परफॉर्म करा. Split villains, head back to the villa and we will see you later tonight in the dome.